हेलो फ्रेंड्स, तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल एनिमी क्रिएशन को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शरण्याओ का घर दिखाया जाता है, जहाँ शरण्याओ नहाने के लिए अपने कपड़े उतार रही होती है और वो नहाने के लिए गर्म पानी से भरे टब में बैठ जाती है। फिर वो जियो के बारे में सोचती है कि वो क्या कर रहा होगा। फिर वो शर्माते हुए सोचती है कि मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ, उसने तो मेरा ऑफर भी रिजेक्ट कर दिया। फिर हम जियो को देख पाते हैं जो कि मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और वो उस एक मॉन्स्टर को दो हिस्सों में बांटते हुए बोलता है कि मैं धीरे धीरे बैटल करना सीख रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि जियो के हाथ में एक ब्लड एलिमेंट रॉक होता है और वो सोचता है कि शायद ये दूसरी चाबी हो सकती है उस बड़े से गेट को ओपन करने की। फिर वो जल्दी से इस डंजन को क्लियर करके यहाँ से निकलने का डिसाइड करता है। तभी वहाँ वो घोस्ट फिर से अपीयर हो जाता है तो उसे बार बार यूवी के रूप में देखकर जियो को बहुत गुस्सा आता है और वो उस घोस्ट पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, बट इससे उस घोस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी जियो के सामने कई सारे मॉन्स्टर्स आने लगते हैं जिन्हें जियो खत्म करने की कोशिश करता है, बट वहाँ और भी कई सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। तो इतने सारे मॉन्स्टर्स को एक साथ देखकर जियो अपनी स्वॉर्ड को जमीन में मारता है जिससे वहाँ एक एनर्जी वेव जनरेट होती है जिसे वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स एक ही बार में मारे जाते हैं। तभी जियो की नीचे की जमीन टूट जाती है और वो नीचे के फ्लोर पर जा गिरता है। फिर जियो उठते हुए बोलता है, मैंने जितना सोचा था ये डंजन उससे कई गुना बड़ा है। और वो अपने सामने एक एंट्रेंस को देखता है जिससे वो समझ जाता है कि वो घोस्ट उसे कहीं ले जाना चाहता है। तो हम देख पाते हैं कि वो गेट प्रोगेटरी होता है जहाँ सिर्फ घोस्ट ही एंटर कर पाते हैं। तो ये देखकर जियो सोचता है कि आखिर वो घोस्ट उसे वहाँ क्यों ले जाना चाहता है। इसी बात को जानने के लिए जियो उस पर्गेटरी में एंटर कर जाता है और जब जियो अंदर पहुंचता है तो ये देखकर शॉक हो जाता है कि हॉस्पिटल में एक केव भी मौजूद है। और हम देख पाते हैं कि उस केव में कई सारे घोस्ट भी मौजूद होते हैं जिनके अंदर से बहुत ही डेडली ऑरा निकल रहा होता है। तभी एक घोस्ट जियो पर अटैक कर देता है जिसे जियो भी देख लेता है और वो अपनी डिवाइन शॉट से उस घोस्ट पर काउंटर अटैक करता है, बट जियो के अटैक का उस घोस्ट पर कोई असर नहीं होता है। तभी वो घोस्ट एक बड़े से वेपन के साथ जियो पर अटैक करता है जिससे जियो भी इंजर्ड हो जाता है और उसकी एचपी भी 50% तक लो हो जाती है। तो आगे हम देखेंगे कि जियो उस घोस्ट से कैसे फाइट करके यहाँ से निकलेगा और वो निकल पाएगा भी या नहीं। और इसी के साथ हमारी आज की एपिसोड यहीं खत्म होती है और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।